नमस्कार, आप देख रहे हैं द शुभम। जी हाँ, पेश है 31 मई मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर देते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पेट्रोल पंप डीलर्स का मार्जिन पिछले 5 वर्ष से नहीं बढ़ा है। ऐसे में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मांग करते हुए कहा है कि पेट्रोल पंप संचालकों के मार्जिन में वृद्धि हो, प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर पेट्रोल और डीजल के मूल्य एक समान करें। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के 66,000 पेट्रोल पंप मंगलवार रात 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेंगे। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक डिपो से माल नहीं खरीदेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जहां पेट्रोल पंप डीलर का मार्जिन बढ़ाने की मांग की गई थी, वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर कटाई की कीमतों के बाद उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने तबादलों से रोक कटाई, पुरानी नीति से ही होंगे तबादले। प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादलों पर करीब 1 साल से लगे रोक को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक हटा दिया गया है। तबादलों को लेकर लंबे समय से रोक हटाने की मांग भी की जा रही थी। साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी मांग की जा रही थी। रोक हटने के बाद उन्हें होने वाले तबादले पुरानी तबादला नीति के तहत होंगे। हालांकि सरकार ने राज्यसभा चुनावों को देखते हुए सबसे बड़ा फैसला लिया होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से की आयुष्मान भारत योजना दायरा बढ़ाने की मांग। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से चिरंजीवी योजना की तर्ज पर भारत आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से योजना के लाभ की राशि को 5 लाख से 10 लाख करने की मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 20,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरियां, 13 भर्ती परीक्षाओं का ऐलान, 60 लाख कैंडिडेट्स होंगे शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 6 महीने में करीब 20,000 पदों पर होने वाली भर्तियों की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें कि इस वक्त की अहम खबर है, राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर जून के पहले सप्ताह में संभव। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान RBSE की ओर से जून 2022 के पहले सप्ताह में कक्षा 12वीं के परिणाम 2022 की घोषणा करने की संभावना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को बांटेगी मोबाइल, 3 साल तक फ्री रहेगा इंटरनेट। राजस्थान में महिलाओं के लिए खुशखबरी है। यहां गहलोत सरकार महिलाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों में जुटी हुई है। इसके लिए राजस्थान सरकार की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है। स्मार्टफोन के साथ ही इसमें 3 साल तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। साथ ही इसको लेकर सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। इस बजट के मोबाइल हैंडसेट खरीद कर महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन करीब 5639 रुपए कीमत का होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, साथ ही आपको बता दें कि 1 जुलाई से खुलेगी बेट, 1 जुलाई को टेक्निकल बेट ओपन हो जाएगी। इसके बाद तय होगा कि कौन सी कंपनी मोबाइल सप्लाई करेगी। सरकार ने टेंडर डॉक्यूमेंट में वर्क ऑर्डर मिलने के 1 साल के भीतर सप्लाई की शर्त रखी है। इस टेंडर के लिए 3 मोबाइल कंपनियों के बीच सीट कंपटीशन होने की संभावना है। इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन शामिल हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फोटो सेशन में खुली दुल्हन की पोल, घूंघट की आड़ में दूसरी लड़की से करवा डाली दूल्हे की शादी। राजस्थान में फर्जी शादियों की सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले से बड़ी खबर आई है। राजस्थान के जालौर जिले के सरवाना पुलिस ने फर्जी शादी और 5 लाख रुपए समेत जेवरात हड़पने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई फर्जी दुल्हन गुजरात की रहने वाली है। मामले का खुलासा शादी के बाद दूल्हे के परिवार की महिलाओं के साथ दुल्हन के होने वाले फोटो सेशन में हुआ है। वहां दुल्हन का चेहरा देखकर परिवार की महिलाओं ने बताया कि ये वो दुल्हन नहीं है जिसकी फोटो दिखाई गई थी। इस पर पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और अपनी आपबीती बताई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी दुल्हन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खत्म करेंगे टोल संचालकों की दादागिरी, टोल मुक्त करेंगे राजस्थान, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि प्रदेश को जल्द ही टोल मुक्त बनाया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी टोल मुक्त राजस्थान आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष ने हमेशा से टोल मुक्त राजस्थान की बात भी कही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों के लिए स्मार्ट रोजगार कार्यालय। बेरोजगारों को लुभाने के लिए अब सरकार रोज नए कार्य कर रही है। इसी बीच सरकार रोजगार कार्यालयों को स्मार्ट बनाने जा रही है। ऐसे में रोजगार कार्यालय अब सिर्फ बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करने या भत्ता देने तक सीमित नहीं होगा। इनमें बेरोजगारों की उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ बेरोजगारों का स्किल असेसमेंट से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के तरीके से लेकर
बायोडेटा तैयार कराना भी सिखाया जाएगा। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आईपीएस की तबादला सूची जारी। जिनकी शिकायतें और निष्क्रिय हैं उनके नॉन फील्ड पोस्टिंग, साथ को मिल सकती है कप्तानी। आईपीएस अफसरों की लंबे समय से पेंडिंग लिस्ट जल्दी जारी होगी। इसमें जिला एसपी डीएसपी के साथ ही एडीजी आईजी रैंक के नाम होंगे। मुख्यालय में डेपुटेशन से लौटे आईजी विकास कुमार, गौरव श्रीवास्तव और राजेंद्र चौधरी को रेंज की जिम्मेदारी मिल सकती है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फेसबुक पर ऑनलाइन हथियार बेचता है लॉरेंस। सलमान खान को मारने के लिए मुंबई में शूटर तक भेज चुका है। तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवा दी है। लॉरेंस काफी समय से राजस्थान में एक्टिव है। राजस्थान आने का मकसद एक ही था कि वो गैंग बना सके। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया है। जेल से उसने कई गुर्गों को अपनी गैंग में शामिल कर बड़ा नेटवर्क बना लिया है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक लॉरेंस व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त फेसबुक के माध्यम से करता है। लॉरेंस ने जोधपुर कोर्ट में 2 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मारने की भी धमकी दी थी। सलमान को मारने मुंबई शूटर भी भेजा था। हमला करने से पहले ही वो पकड़ा गया। इसके महज 2 साल बाद लॉरेंस और गोल्डी गुर्गो ने 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी है। गोल्डी और लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। पुलिस वाले का बेटा बना गैंगस्टर। लॉरेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक संगठन का कर्ता दर्रा है। डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा करने का दावा करता है। पंजाब और हरियाणा के सबसे खतरनाक गैंग में से एक का लीडर है। जेल में से ही गैंग ऑपरेट करता है। उसके पास महंगी पिस्तौलों और बंदूकों का खच्चर की रहा है। करीब 15 साल पहले कॉलेज में 2 बार हवाई फायरिंग करके अपना रुतबा कायम कर चुका है। गैंगस्टर के पिता लविंदर कुमार पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भी थे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप।